गुड इवनिंग माई डियर स्टूडेंट वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर यू पी एस सी थिंकर पर आई होप कि आप सभी ने अपनी पढ़ाई परिवार और सेहत का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा एक बार हम आपको बता दें कि अगर आप लोग का पेपर कल अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर पेपर अच्छा नहीं गया है तो आप लोग बस एक काम कीजिए क्लासों को स्टार्ट कर दीजिए लेना और गारंटी मैं लेता हूँ अस्सी परसेंट स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा उसी में से आ जाएगा लेकिन बीस परसेंट आपको भी देना होगा क्योंकि देखिए मित्रों हर एक चीज़ कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो वो नहीं पढ़ा सकता है आपको खुद मालूम है कुछ आपको अपना परसेंट भी देना होता है तभी आप उसको कुछ कर पाएंगे अन्यथा नहीं, नहीं कर पाएंगे तो चलिए करते पर हम हिस्ट्री के आज थोड़ा डेमो टाइप में और इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाने वाले हैं हम आपको और कल से आप लोग सारी क्लास क्लासें जो है मित्रों टाइम टू टाइम होंगी और आपको बता दें सभी चीज़ें आपको क्रम से पढ़ाई जाएंगी तो इस बात का ध्यान रखें प्लीज़ ज़्यादा बड़ी क्लासें हम नहीं लेने वाले हैं क्योंकि मैं पहले तीन तीन घंटे की क्लास लेता था मैंने उसको कम करके अब बीस से पच्चीस या फिर पंद्रह से बीस मिनट कर दिया हुआ है चलिए तो समझते हैं आज हम इतिहास के बारे में स्टार्टिंग से क्या है इतिहास तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए इतिहास का प्रयोग विशेषता दो अर्थों में किया जाता है एक होता है प्राचीन तथा विगत सॉरी एक होता है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाओं और दूसरा होता है उन घटनाओं की विषय में धारणा इतिहास शब्द इति धन हा धन आस अस धातु लिट लकार और अन्य पुरुष एक वचन का तात्पर्य है यह निश्चय था कि ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा आप को कि भाई हिस्ट्री क्यों कहा जाता तो ये ग्रीस का है भैया ग्रीस का यानी हिस्ट्री आप लोग हिस्ट्री कहते ना इसको तो हिस्ट्री ये होता है हिस्ट्री का प्रयोग करते थे हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ होता है बुनना और अनुमान होता है कि ज्ञात घटनाओं में व्यवस्थित ढंग से बुनकर ऐसा चित्र उपस्थित करने की कोशिश की जाती थी जो सार्थक एवं सुसंबंध हो इस प्रकार इतिहास शब्द का अर्थ है परंपरा से प्राप्त उपाख्यान समूह जैसे कि लोक वीर वीरगाथाएँ जैसे कि महाभारत या ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहास के अंतर्गत जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटित घटनाओं या विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास होता है या फिर प्राचीनता के नवीनता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन का हिस्सा भी इतिहास कहलाता है इन घटनाओं व ऐतिहासिक साक्ष्यों को मानव जाति से जो साक्ष्यों का तत्व की आधार पर प्रमाणित किया जाता है बोधि सत्व पद्मासनी अजंता भारत और भी न जाने क्या क्या है उन सभी में आप लोग को इतिहास देखने को मिलेगा यानी सीधी बात पुराने से लेकर नए तक के क्रमबद्ध एक वर्णन को या क्रमबद्ध एक काल को ही क्या कहा जाता है उसके अध्ययन को ही इतिहास कहा जाता है देखिए मित्रों तो थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम होता है लेकिन आपको एडजस्ट तो करना होगा क्योंकि देखिए आपको मालूम है ना कि अगर आप समस्या नहीं झेलेंगे तो आपको कोई सक्सेस नहीं मिलेगी आपको मजबूरी है आपको पढ़ना है अच्छी बात है नहीं पढ़ना है ज़्यादा अगर ओवर स्टैंडर्ड में है तो देखिए ओवर स्टैंडर्ड वाली क्लासें हैं जिंदगी बर्बाद कर रही हैं और कुछ नहीं कर रही हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं तो मुख्य लेख देखिएगा इतिहास लेखन के संबंध में यह शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है सबसे पहले यही याद रखिएगा ये शब्द कहाँ से लिया गया है तो हिस्टोरिया यूनानी जो ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से लिया गया है या फिर यूनानी भाषा के और जिसका मतलब होता है छानबीन करके या फिर खोजबीन करके जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहा जाता है ग्रीक भाषा में हिस्टोरिया कहा जाता है सबसे पहले हेरोडोटस नाम के यूनानी ने हिस्टोरी का नामक पुस्तक लिखकर अतीत में हुई घटनाओं का जानकारी दी थी यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा हिस्टोरी का नामक पुस्तक के रचेता का नाम क्या है तो हेरोडोटस इनका नाम हो जाएगा इसीलिए इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी हेरोडोटस को ही कहा जाता है इसको भी आप ध्यान रखते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री इस इतिहास के मुख्य आधार युग विशेष एवं घटना स्थल के अवशेष हैं जो किसी न किसी रूप में प्राप्त होते हैं जीवन की व्याख्या जीवन की बहुमुखी व्यापकता के कारण स्व स्वल्प सामग्री के सहारे विगत युग एवं समाज का चित्र चित्र निर्माण करना दुसाध्य है सामग्री जितनी भी अधिक होती है उसी अनुपात में बीते युग तथा समाज की रूपरेखा वस्तुता करना साक्ष्य होता है पर पर्याप्त साधनों के होते हुए भी अगर हम बात करें चलिए इसको छोड़ देते हैं लेकिन अगर हम इतिहास को समझें अच्छे तरीके से समझिएगा जो आपकी यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया है ये केवल आपका जो जितनी भी क्लास है फर्स्ट 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 हो रही हैं ये केवल आपको ऐसे ही हैं कि आप उनको समझ पाएँ कहाँ से क्वेश्चन आते हो क्या आपको पढ़ना है और कुछ नहीं है नहीं तो आप सोचें क्यों पढ़ा रही है तो आपको समझा दें कि क्यों पढ़ा रहे हैं तो देखिए इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रट नहीं सकते हैं कितना रटोगे आप इतना ज़्यादा है आप लोग अगर कभी खैर आप लोग तो मुझे जानते ही नहीं है ज़्यादा तो जहाँ मैं जहाँ पर मैं स्टडी करता हूँ या फिर जहाँ मैं रहता हूँ अगर आप आइएगा कभी तो देखिएगा जहाँ मैं पढ़ाई किया हूँ डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आप चेक कर लीजिएगा नेट पर तो वहाँ पर पता है इतनी बड़ी लाइब्रेरी है मित्रों कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता आप लोग के यहाँ कितनी बड़ी लाइब्रेरी होगी दो एकड़ में लाइब्रेरी बनी हुई है सागर विश्वविद्यालय की जाके चेक कर लीजिएगा कितनी बड़ी ऊपर गूगल मैप से भी दिखती है सागर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तो इतिहास को केवल समझा जा सकता है और उसी को हम समझाएंगे आपको कल से आपकी क्लासों में तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज लिखी हुई है जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो इतिहास को पढ़ने के लिए आप मैप का भी प्रयोग करेंगे इतिहास को पढ़ने के लिए आप लोगों को एक दिमाग में भी थोड़ा मजे लेके पढ़ना होता है इतिहास कि आप लोग को अपने रिश्ता रिश्तेदार बना लेना है रिलेटिव रिले बना लेना है इतिहास के जो पात्र हैं जैसे अकबर हुआ बाबर हुआ या फिर कुतुबुद्दीन नेवक हुआ या फिर जो भी हैं उनके अस्तित्व में से उनको आपके रिश्तेदार बना लेना है कहना है भाई कुतुबुद्दीन नेवक ने मेरा कुतुब मीनार बनवाया था मेरा रिश्तेदार था मेरा पड़ोसी था तब आपको इतिहास और अच्छे से समझ में आएगा इसके अलावा भारत का इतिहास आपको मालूम होना चाहिए तीन प्रकार से बांटा गया है जिसमें आपको प्राचीन भारत मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत देखने को मिलेगा और हम आपको बता दें तीनों भारत की क्लासें डेली होने वाली हैं यानी प्राचीन भारत मध्य भारत और आधुनिक भारत की क्लासें आपको डेली होंगी डेली आपको नोट्स बनाने और डेली ही आपके हमारे टेली जो क्या कहते हैं इसको फेसबुक जो यूट्यूब है उस पर आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे अब आपकी जिम्मेदारी आप कितने अच्छे से तरीके से पढ़ाई करते हैं तो देखिए सबसे मुख्य रोल होता है आपका अगर हम बात करें यूपीएससी में तो एंशियंट हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री और मिडवल तीनों का एक सेम रोल कह सकते हैं लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और एनशियट हिस्ट्री का जिसमें आपको बहुत थोड़े उठपटन क्वेश्चन आ जाते हैं तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है इसके अलावा अगर आप तैयारी कैसे करें आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो देखिए उसके लिए तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप सभी को कक्षा छठवीं से लेकर बारहवीं तक का हिस्ट्री पढ़ना है और एन हिस्ट्री पढ़ना बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि उनको समझ में नहीं आता क्या पढ़ना क्या नहीं तो उसके लिए मैं बता दूँ मित्रों जब आप लोग इसमें अच्छे से पढ़ने लगेंगे तो मैं आपको एक एक विषय की एनसीआर कंप्लीट करा दूंगा वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। तो आपको एनसीआर ऐसी पढ़नी जैसे कक्षा भी आप लोग देखे होंगे अगर एनसीआर तो कक्षा भी में एक चित्र बना हुआ है आखिरी के पेज पर लेकिन बच्चे गौर नहीं करते उस पेज पर उसी पेज से क्वेश्चन आ गया था पूछा गया था कि भाई किस गुप्त सम्राट ने अपनी बीड़ा बजाते हुए फोटो को पे मुद्राओं पर छपवाया था तो मित्र याद होना चाहिए आपको समुद्र गुप्त थे वो जिन्होंने अपनी बीड़ा बजाते हुए फोटो को या फिर चित्र को जो मोहरों पर छपवाया था ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है वही वहां से क्वेश्चन बन जाएंगे और आप पे फिर पढ़ते नहीं है ढंग से तो बनता नहीं है उसकी अगर बात करें तो लिखित संविधान भी आपको देखने को मिलेगा सॉरी संविधान की बात नहीं कर रहा था क्योंकि अभी इसी के पहले मैंने संविधान की क्लास ली तो उस कारण से संविधान शब्द आ गया तो देखिए आपको मैं बता दूं आपको मैं विपिन चंद्र पढ़ाने वाला हूं देखिए तो अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था जिस कारण से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया तो देखिए आप लोगों को विपिन चंद्र हो गया स्पेक्ट्रम हो गया आर एस शर्मा हो गया जितनी भी बुक्स स्टैंडर्ड बुक्स हैं उन सभी से ही आपको पढ़ाया जाएगा प्लस कुछ स्टैंडर्ड साइट्स वगैरह होती है जो कि आप लोग सब जगह से नहीं पढ़ सकते एक बच्चा जो है वो सभी जगह से नहीं पढ़ सकता इसीलिए उसको कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होता है लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है हम हैं तो क्या कम है बस इस बात का ध्यान रखिएगा तो आप मेरी बात समझ गए होंगे इसके अलावा आप यहाँ पर देख लीजिएगा कितने कितने क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं जो आपके हंड्रेड क्वेश्चन में से आए हुए हैं इसके बाद आप यहाँ पर मैं में भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा आपका कितना ज़्यादा पोर्शन आपके मेंस में पूछा गया है हिस्ट्री से रिलेटेड इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को जो भी क्वेश्चन आएंगे जितने भी बना सकता हूँ मैं अपने और जितने भी जो मेरे जो मेरे पहले से ही सेलेक्ट बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं बहुत सारे मेरे जो पहले से एक हमारे बाजू में थोड़े थोड़ी दूरी पर एक आई पी एस ऑफिसर रहते हैं उनसे भी अगर जितना बन पड़ेगा तो हम उनसे भी थोड़ा आप लोग को कभी इन्वाइट कराएंगे तो आप लोग मिल पाएंगे उनसे तो उनसे भी हम आपके क्वेश्चन को बनवाएंगे और चेक भी करवाएंगे आप लोग को तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कैसे नहीं तो बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं और आप लोग कल से जब आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं और किस प्रकार पढ़ना है प्लस आपको मैं बता दू जस्ट लास्ट में जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी डालूंगा तो उनको आपको कमेंट में आंसर देना है कि क्या आंसर होने वाला है आपको पढ़ के ठीक है तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए हिंद आप वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक मित्र को जो आपका मित्र गरीब है उसको पढ़ना है रियल में आई की तैयारी करनी है तो उसको आप पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए हमारे चैनल का लिंक भेजिए कि इन सर के पास जाके पढ़ लीजिए पूरा स्टडी मटेरियल भी हम आपको फ्री प्रोवाइड करा रहे हैं बस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करना है ये बात याद रखिए कि हम सभी को ऐड नहीं करते हैं बहुत कम विद्यार्थी वहाँ पे ऐड होते हैं मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू